हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं घर की बची हुई कतरनों से और प्लास्टिक रिंग से एक खूबसूरत वॉल हैंगिंग, जो आप दिवाली पे नवरात्रि पे लगाएंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगी। तो देखिए, ये जो पर्दे के रिंग्स होते हैं, इनको हम गरम चाकू से ये इसके हुक काट लेंगे। और देखिए, ये पुराने रिंग्स हैं, अलग अलग कलर के हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको काट के हम तैयार कर लेंगे। उसके बाद एक डबल, जो भी कलर आपको पसंद हो उस कलर की ऊन ले लीजिए, या जो भी आपके घर में अवेलेबल हो उसको डबल फोल्ड कीजिए, ये लूप बनाइए और इसमें अदर एंड जो है इसका इंसर्ट कर दीजिए। देखिए, अब ये सिक्योर हो गया। अब फेविकोल लगा के इसको चिपकाते जाइए, पूरा इसको पूरा रैप कर लेना है, जैसे कि आप सिल्क थ्रेड बैंगल्स वगैरह बनाते हैं तो करते हैं ना, वैसे ही। तो ये देखिए, मैंने कई सारे रिंग्स बना के तैयार कर लिए हैं ऐसे रेड कलर में, और इस पर हम पतला वाला गोटा ऐसे चिपकाते जाएंगे, टर्न अराउंड करते जाएंगे और इसको फेविकॉल से चिपका देंगे। तो ऐसे मैंने कई सारे रिंग्स देखिए तैयार करके रख लिए हैं। अब हम ये बचा हुआ कपड़ा है मेरे पास, देखिए ट्रायंगल शेप में ऑब्वियसली किसी चीज़ का बचा हुआ है, तो उससे हम हाथी बनाएंगे। तो हाथी के लिए हम एक मोटे पेपर से कट कर लेंगे ड्रॉ करके, ताकि उसकी शेप सारी हाथियों की एक जैसी आए, और इसकी आउटलाइन बना लेंगे, आउटलाइन ड्रॉ कर लेंगे और फिर उसको कटिंग करेंगे। कटिंग थोड़ी सी छोड़ कर करनी, देखिए जो आउटलाइन बनी है ना उसके थोड़ा सा मैंने छोड़ कर कटिंग किया है ऐसे, क्योंकि आउटलाइन पे हमें स्टिच करना है तो थोड़ी सी हमें एक्स्ट्रा वो छोड़नी पड़ेगी फैब्रिक। अब जो इसके पैरों के बीच का जो है ना, यहाँ हम कटिंग अभी नहीं करेंगे, पहले स्टिच करेंगे फिर बाद में कटिंग करेंगे। तो ये मैंने कच्चे टाके से स्टिच किया है, आप चाहें तो मशीन से भी कर सकते हैं, बट मशीन से हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता, इसलिए मैं सुई धागे से बता रही हूँ आपको। तो सिंपली कच्चा टाका देना है इसमें, जिसको रनिंग स्टिच कहते हैं। अब इतनी जगह छोड़ देनी है, इसमें से हम कॉटन या कपड़ा जो भी आप भरना चाहें वो भरेंगे, तो इतनी जगह छोड़ के फिर हमें यहाँ से दोबारा चालू करनी है और ये पूरे आउटलाइन पे स्टिच कर लेनी है। अब देखिए, जो बीच में हमने कटिंग नहीं की थी ना, उसको कट करेंगे और एकदम एंड तक, यहाँ तक कट करेंगे। अगर यहाँ तक नहीं करेंगे तो जब हम पलटेंगे तो ये सही नहीं आएगा। अब इसको हम ये शेप कर लिया, उसके बाद एंड इसमें भी एज तक कटिंग करनी पड़ेगी। और इसका जो ये देखिए, ये लेग का जो मैं दिखा रही हूँ ना कटिंग, ऐसे करना है, ये बहुत ज़रूरी स्टेप है जिसे स्किप आप नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे करके अब इसको उलट लेना है। अब किसी पेन या किसी भी चीज़ के हेल्प से आप इसको कर लीजिए, ताकि इसके सारे एजेस सही से आ जाएं। तो देखिए, ये मैंने कर लिया। अब यहाँ स्टफिंग के लिए ये ओपनिंग छोड़ दी थी मैंने, और देखिए कटने से ये इसका ये देखिए ये एज एकदम शेप सही आई है ना, इसीलिए ज़रूरी है। अब देखिए, ये एक और रेड कलर का कपड़ा मैंने लिया है, जो डबल कर लिया है स्क्वायर करके, और उसको तीन तरफ से स्टिच कर देंगे। अब भरने के लिए देखिए, मेरे पास ये मोटा फोम का पीस बचा हुआ था, ये भी काम में आ रहा है, मैंने इसको एकदम महीन महीन काट लिया है। आप कोई कतरन, फोम, रुई कुछ भी भर सकते हैं, और इसको किसी चीज़ के हेल्प से ना एकदम एंड तक सब जगह पहुंच जाए इक्वली। और उसके बाद जो ये बच ओपनिंग हमने छोड़ी थी वो हम स्टिच कर देंगे और इसको क्लोज कर देंगे। अगर ये स्टिच दिख भी रही है तो कोई बात नहीं, इसके ऊपर लेस आ जाएगी, पता नहीं चलेगा। तो इसको हमें पूरा स्टिच कर देना है। और अब हम इसके पैरों का जो मार्क देंगे, देखिए ये जो है ये चौड़ा जगह मैंने छोड़ी थी, इसमें हम बीच में स्टिच कर देंगे, ताकि दो पैरों की मार्किंग आ जाए। ये हम बखिया स्टिच जिसे कहते हैं, उल्टी बखिया, वो कर रहे हैं। देखिए आप, ये पीछे से बैक से लेके फिर आगे निकाल रहे हैं ऐसे, और जहाँ तक पैर आने चाहिए वहीं तक हम इसको स्टिच कर देंगे, और फिर इसमें नॉट लगा के इसको धागे को कट कर देंगे। बहुत सफाई से करेंगे एकदम एंड से, ताकि दिखे ना।
उसके ऊपर लेस, आपके पास लेस हो, कोई कपड़ा हो, कैसे भी आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। अब इसकी डिटेलिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इसकी डिटेलिंग की है, इसमें पूंछ दी है मोतियों से और टैसल लगा दिया है, इसके आउटलाइन पे भी मैंने लेस दे दी है और इसके मार्कर से मैंने इसकी आइज़ बनाई है, पैरों पे मोतियों का वो दे दिया है, मोती दे दिए हैं पैरों पे। तो देखिए अभी मैं कई सारे रिंग्स ले लूँगी और ये देखिए ये रेड एंड ये एक पर्पल, दो तरह के मैंने स्क्वायर तैयार कर लिए और दो कलर में मैंने हाथी तैयार किए हैं। अब ये रिंग में मैं धागा डबल लेना है और थोड़ा मजबूत धागा लीजिएगा क्योंकि सारा वेट इसी पे आएगा। अब तीन वाइट मोती और एक गोल्डन मोती, फिर तीन वाइट मोती, ऐसे करके हम मैंने इंसर्ट किया है। आपके पास जैसे भी मोती अवेलेबल हो आप उस हिसाब से इसको इंसर्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। मेन तो है कि ये हाथी और ये जो बचे हुए कपड़े का आपने स्क्वायर बनाया ना उससे बहुत सुंदर लगेगा। आप देखिए एक पॉम्पम लगाया है, ये गोटे का फूल लगाया है, फिर सेम ही सीक्वेंस तीन वाइट एक गोल्डन, तीन वाइट का मैं पिरोलूँगी देखिए ऐसे, फिर ये पॉम्पम लगाऊँ, ये गोटे का की पत्ती लगाई है मैंने, फूल जो है ये लगाने से ना इसमें जो जो छेद होता है इसको भी हम स्टिच कर लेंगे। और ये लगाने से क्या होता है इसका जो एज है ना ये दिखता नहीं है इस, तो ये बहुत सफाई से बना हुआ लगता है, फिर इसका एज की स्टिच जो है वो बिल्कुल भी नहीं दिखती है इसको लगाने से। बस फिर इसको यहाँ से नॉट लगा के धागा तोड़ लेंगे, फिर अदर एंड से इसको दोबारा स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ से दोबारा चालू करेंगे, फिर हम एक वही वैसे ही गोटे के फूल लगाएंगे, इसका जो ये देखिए बीच में ही छेद है इसको अच्छे से स्टिच कर लेंगे ताकि ये निकले ना ऐसे, देखिए हाँ। और उसके बाद फिर वही मोतियों का वही सीक्वेंस मोती और पॉम्पम का देंगे और फिर हम ये पर्पल वाला लगा देंगे। देखिए पर्पल वाला जो है ना ये भी मैंने इसमें मैंने ये पत्ती ये लगा के कुछ डिज़ाइन नहीं बनाया क्योंकि ऑलरेडी ये कपड़ा बहुत ग्लिटरी था। और उसके बाद मैंने ये हाथी स्टिच कर दिया इस पर, देखिए पहले येलो किया है। तो आप देख सकते हैं कि एकदम बचे हुए कपड़े से, ये पर्पल कपड़ा तो वो था जो मेरे ब्लाउज़ में से जल गया था वो मैंने उसमें से निकाला है। तो आप कुछ भी कोई भी वेस्ट कपड़े से ये बना सकते हैं। अब हाथी के पैरों की तरफ से स्टार्ट करेंगे हम, फिर वही एक फूल देंगे गोटे का और सेम सीक्वेंस मोतियों का देंगे। देखिए ये ऐसे गोटे का फूल चिपकाया और सेम सीक्वेंस मोतियों का चिपका के वैसे ही देंगे दो रेड और एक पर्पल का स्क्वायर लगा के वैसे ही देंगे। देखिए अब ये मैंने पूरा ये लटकन तैयार कर ली है ऐसे ही, और जो लास्ट वाले हाथी के नीचे मैंने ये मोतियों की और पॉम्पम की लटकन दे दी है। तो देखिए कितना सुंदर बचे हुए कपड़े और रिंग्स से कितना सुंदर आपका ये साइड डोर हैंगिंग तैयार हो गया। तो इस फेस्टिवल पे आप भी अपने घर पे ये ज़रूर बनाइए, ये बाज़ार में बहुत ही एक्सपेंसिव मिलेगा और घर में फ्री में तैयार हो जाएगा। तो मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।